थी अभी जी। अभी ग्रैंड पैलेस होटल में हमने आज मुहर्रम को लेकर शांति समिति की एक बैठक की। सभी सभ्यताओं के लोग यहाँ पे आए हुए थे, जितने भी अखाड़े के लीडर्स हैं जो उन्होंने हमें सूचित किया। इससे पुलिस प्रशासन को ये फ़ायदा हुआ कि उनके कारण हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि जुलूस कब निकलना है, जुलूस किस रूट से जाएगा, ताकि हम वैसे तैयारियाँ कर सकें। हर जुलूस के साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जुलूस के साथ पुलिस के कुछ लोग रहेंगे, प्रशासन के कुछ लोग रहेंगे, और जितने इम्पोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं जैसे कोई मस्जिद हुआ, कोई इंपॉर्टेंट चौक हुआ, इंद्रपुरी चौक, ये सब जगहों पे भी हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट रहेगी, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट रहेगी, ताकि ये इस पर्व को भी हम लोग उतने ही शांतिपूर्वक तरीके से निकाल पाएँ। हमने इन्हें हिदायत दी कि जितने भी आग के कर्तव्य किए जाएंगे उसमें ये इंश्योर किया जाए कि कोई संकीर्ण एरिया में ऐसा नहीं किया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं किया जाए जिससे जान या माल को क्षति पहुँच सके। और इसमें नगर निगम के भी लोग थे, बिजली विभाग के भी लोग थे, ताकि क्योंकि जैसे आप जानते हैं जो ताज़िया होती है वो काफ़ी ऊँची होती है, तो बिजली विभाग को भी इसमें कोऑपरेशन ज़रूरत पड़ती है, पेड़ों को काटना पड़ता है, हल्का सा छाटना पड़ता है, तो उसमें नगर निगम का रोल आता है। तो सभी लोग आए थे और काफ़ी एक अच्छी मीटिंग हुई, और हमें भरोसा है कि अमन और शांति के साथ हम लोग इस पर संदेश देना चाहेंगे। संदेश हम लोग यही देना चाहेंगे कि देखिए हज़ारीबाग आपका शहर है, हम लोग बस इस शहर में कुछ दिन के लिए कस्टोडियन बन के आते हैं, तो ये दायित्व आपकी है कि आप लोग ऐसे पर्वों को बिल्कुल शांति प्रिय होकर अमन और चैन के साथ निकाल दें, अच्छे से अपनी रैलियां निकालें, अच्छे से जुलूस निकालें, बढ़िया मेला हो। हम पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह आपके सहयोग में खड़ी रहेगी, और बस अमन और चैन के साथ इस पूरे पर्व को बिताएंगे। आज शांति समिति की बैठक जिसमें बहुत समिति के बहुत सारे समिति के लोग आए, मुख्य रूप से क्या बातें मुख्य रूप से कौन सी बातें सामने आई जो जिस पर आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा? वर्क हम लोग को मुख्य रूप से उनके तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, पंचमी कब है इसमें, उसके बाद 12 तारीख को क्या है, 13 को, 16 को, 17 को मेला कब कब लगता है। तो एक बार हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो ऑफकोर्स पुलिस प्रशासन को बहुत मदद मिलती है आगे के लिए प्लानिंग करने में। मुख्य रूप से ये भी है कि देखिए डीजे वीजे इसमें भी बैन है, डीजे के ऊपर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उसको नहीं यूज़ किया जाए। आगजनी का जैसे हमने बात की, आग के कर्तव्य अगर किए भी जा रहे तो उसे जितना रिस्पॉन्सिबली किया जाए किया जाएगा, और हमारे तरफ से अपील रहेगी कम से कम ही रखा जाए उस चीज़ों को, क्योंकि आग के ऊपर किसी का कोई काबू नहीं है। और बाकी क्योंकि पुलिस के साथ CO साहब भी थे और नगर निगम के लोग थे, सभी लोग थे, बिजली विभाग से भी लोग थे, तो हमें ऐसा लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका हमें पूरी तरह से एक समाधान निकाल पाएंगे। सर जो है तो बढ़िया किया गया सर, और उसको चापाकल को बनवा दिया सर। और एक और है सर कि धन्यवाद देना चाहेंगे सर, पिछले बार हम लोग इसी शांति समिति बैठक में एक आवाज़ उठाए थे सरदार चौक पर कि वहाँ एक पॉल था, पॉल जो है वहाँ हमेशा झंडा उंडा बांधाया जाता था दोनों लोगों का, दोनों समुदाय का, तो पॉल हट गया, मगर पॉल हटने के बावजूद भी इस बार रामनवमी में वहाँ झंडा बांधा गया। झंडा बांधो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके बाद क्या है कि अभी फिर मुहर्रम आया तो अब इधर के लोग बोल रहे हैं कि हम भी झंडा बांधेंगे, तो उधर का अभी तक झंडा खुला नहीं है सर, और उससे तंग सरदार चौक के पास सर, तो ऐसा ना हो कि तंग बंद हो इसलिए उस झंडा को खुलवा दिया है सर। जैसे हर एक वर्ष के बाद इस वर्ष अपना रूट है, और जिस डेट को इस रूट में घूमना है सारे में लाइट का व्यवस्था जो है व्यवस्था चका मतलब सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर पानी का टैंकर भेजा जाता है, अब वो हमारे चिन्हित स्थल है, कोशिश किया जाएगा कि पिछले बार से इस बार पानी का टैंकर ज़्यादा भेज दिया जाए ताकि पेयजल के लिए किसी को दिक्कत ना हो। और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर, जैसे रोड को लेकर के अभी बातें सामने आ रही थी कि रोड को लेकर के और बिजली पोल पर भी कुछ बताया जा रहा था कि झंडा वगैरह लगा हुआ है? झंडा वगैरह लगा हुआ वो तो प्रशासन के साथ मिल के काम किया जाएगा, क्योंकि वो प्रशासनिक मामला भी है, तो उनके सहयोग से ही जो भी होगा वो होगा। इसके अलावा बिजली जहाँ कहीं पर स्ट्रीट लाइट, खासकर रामनवमी रूट में जहाँ कहीं पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, हमारी टीम रात को घूमेगी, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार सारे जगह पर उसका मरम्मत किया जाएगा।
क्योंकि अभी बरसात भी है, इसीलिए हमारे लिए एक चैलेंजिंग भी है ये। बरसात में जहाँ जल जमा हो जाता है उन जगहों को भी चिन्हित करके बताया गया है, उन जगहों के लिए क्या? हाँ, जहाँ जल जमा हो, जैसे यहाँ पर बताया गया पगमिल का एरिया, चूँकि नगर निगम क्षेत्र में जैसे सड़क का निर्माण स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और नगर निगम और अन्य संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, तो जहाँ पर नेशनल हाईवे का है या स्टेट हाईवे का है, उनकी सारी मरम्मति और सारा कुछ उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हाँ, अगर कहीं पर इस तरह का वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अगर कुछ भरने का जरूरत पड़े तो नगर निगम द्वारा उस पर किया जाएगा। छोड़वा में आपकी क्या